प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय आने को है, प्रमेय 11.8। इसे हम मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय का आशय है कि किसी त्रिभुज में यदि किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम मिला दें, जैसे त्रिभुज आपके सामने एक ABC त्रिभुज है, इस त्रिभुज में DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है और EAC का मध्य बिंदु है। यदि इन दोनों मध्य बिंदुओं D और E को हम आपस में मिला दें तो ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें देखना है क्या DE BC के समानांतर है। तो प्रमेय ये कहता है कि ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है वो BC के आधे के बराबर होता है और उसके समानांतर भी होता है। एक बार फिर से आप इस बात को गौर से समझें, किसी भी त्रिभुज ABC में हमने एक त्रिभुज ABC बनाया है और उसमें किन्हीं दो भुजाओं, अभी हमने भुजा AB और AC को संदर्भ के लिए लिया और उनके मध्य बिंदु क्रमशः D और E को मिला दिया, तो ये जो DE है वो BC के समानांतर भी होगा और उसकी लंबाई DE की लंबाई BC की लंबाई की आधी होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, हमें दिया क्या है ये पहले हम लिख लें। हमें दिया है त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है, यानी AD बराबर DB है, ऐसा लिख सकते हैं हम, AD बराबर DB है, ये आप कह सकते हैं। दूसरी बात, EAC का मध्य बिंदु है, इसे आप गणित रूप से लिख सकते हैं कि AE बराबर EC, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये दो चीज हमें दी हुई है और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC के, DE समानांतर है BC के, एक बात यह हमें सिद्ध करनी है और दूसरी बात सिद्ध करनी है कि DE BC की आधी भी है, यानी आप इसे ऐसा लिख सकते हैं DE बराबर 1/2 BC। ये दो कथन हमें दिए हुए हैं जो हमें सिद्ध कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करें अपने काम को, और जैसा कि आपने पिछले कई सवालों में और प्रमेयों में सर्वांग समता के गुण का प्रयोग किया था, त्रिभुजों के सर्वांग समता का, यहां भी हम कुछ वैसा ही करेंगे और समानांतर चतुर्भुज के भी गुण का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने यहां पर यह देखा कि DE और BC समानांतर हैं। यदि किसी तरह से हम यदि DE और BC को समानांतर चतुर्भुज के रूप में प्रदर्शित कर पाए, व्यक्त कर पाए, तो हम बता सकेंगे कि DE और BC समानांतर हैं। इसके लिए हम DE को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हम DE की रचना कुछ आगे तक लेके जाते हैं और इसको किसी बिंदु तक बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमने इसे इस तरह से बढ़ाया, और इस बड़े हुए भाग में जितने DE की लंबाई है ठीक उसके बराबर हिस्सा हमने यहां पर लिया और यहां पे निशान लगा दिया। यानी एक बिंदु हमने यहां पर F ऐसा लिया कि EF बराबर DE है, यह हमारी रचना है। हमने रचना में DE को आगे बढ़ाया तो एक नया रेखाखंड, नई किरण हमें मिल रही है और उसमें हमने बिंदु F इस तरह से लिया कि EF की लंबाई DE के बराबर हो जाए, यानी ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर हो जाए, तो हमने DF बना लिया। अब F और C को हम आपस में मिला लें, चलिए ये भी काम हम कर लें, F और C को आपस में मिला लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा करने से हमें एक चतुर्भुज की आकृति मिल रही है, ये हमने बहुत सावधानी से F और C को मिला लिया। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक चतुर्भुज बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम आप कह सकते हैं DBCF। अब जो बात हमें प्रमाणित करनी थी वो ये थी कि DE BC के समानांतर है,
यदि हम DF को BC के समानांतर सिद्ध कर दें तो यह बात सिद्ध हो जाएगी। और DF को BC के समानांतर सिद्ध करने के लिए हमें करना होगा कि हम इस पूरे चतुर्भुज को एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में सिद्ध कर पाए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तब हम कह पाएंगे कि DF BC के समानांतर है। तो अब यदि एक समानांतर चतुर्भुज इसे बनाना होगा तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस पूरे चित्र में एक और खास बात नजर आ रही होगी कि एक त्रिभुज आपको यहां बना हुआ दिखाई पड़ रहा है और दूसरा त्रिभुज यहां बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जरा गौर से देखें आप तो आपको लगेगा कि दोनों त्रिभुज काफी कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्या ये सर्वांगसम दिख रहे हैं आपको? लेकिन केवल दिखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, प्रदर्शित करना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं अथवा नहीं। तो आप देखिए क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। आप जरा गौर करें, अभी आपने जो रचना की उस पर ध्यान अपना केंद्रित करें। आपने DE को आगे बढ़ाकर EF इस तरह बनाया कि वहां DE के बराबर वो था। तो ये चीज आपको रचना से मिली है, रचना से आपको मिला है कि DE और EF बराबर है, DE बराबर EF, ये आपने जानबूझकर बनाया, आपने रचना ही ऐसी की। दूसरी चीज देखिए, बिंदु ई AC का मध्य बिंदु ये आपको दिया हुआ था, यानी आपको दी हुई बात थी कि AE और EC बराबर है। ये आप देखिए आपके पास यहां पर मौजूद है कि AE EC के बराबर है, आप इसे भी लिख लें AE बराबर EC। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। आपने कमाल कर चुका, कमाल कर लिया आपने, आपने इन दोनों भुजाओं को क्रमशः इन दोनों भुजाओं के बराबर सिद्ध कर दिया। अब आपको एक चीज और चाहिए, इन दोनों के बीच का कोण। यहां गौर करिए, यहां पर बीच के कोण ये हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये बराबर हैं? बेशक ये दोनों कोण बराबर हैं, और बताइए क्यों बराबर हैं? आप ठीक सोच रहे हैं, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, एक रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड ये है, दोनों एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए जो बनने वाले कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण है और बराबर है। तीन कोणों को भी आप लिख लीजिए कि कोण AED, कोण AED बराबर है कोण CEF के, CEF के। तो लीजिए आपके पास तीनों चीजें हाजिर हैं जिनकी मदद से आप कह सकते हैं कि हाँ हाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं। इस त्रिभुज में ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण बराबर है। और आप देख रहे हैं कि भुजा कोण भुजा वाले प्रमेय के आधार पर आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE सर्वांगसम है त्रिभुज EFE के, त्रिभुज CFE के, CFE के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इससे फायदा क्या हुआ? आप गौर से देखें अगर तो आपको पता चलेगा कि इनके जो शेष अवयव हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इससे क्या फायदा हो रहा है? ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। यहां आपने लिखा है AD बराबर DB, तो आप इस पूरे कथन को इस तरह से लिख सकते हैं कि चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि AD बराबर CF या CF बराबर, इस भुजा की बात कर रहे हैं हम, CF बराबर AD। और चूंकि AD बराबर है DB के, यह आपने पहले लिख लिया है कि दिया हुआ था, ये बराबर है DB के, यानी CF और DB भी आपस में बराबर होंगे। तो इससे आप ऐसा लिख लें कि CF बराबर DB, यानी आपने इस भुजा को इस भुजा के बराबर सिद्ध कर लिया। यह आपकी बड़ी उपलब्धि है। अब आप देखिए और क्या कर सकते हैं, चूंकि ये कोण और ये कोण इन दोनों रेखाओं को तिरेक रेखा DF के काटने पर बन रहे हैं, यानी ये एकांतर कोण है। अब गौर से देखिए, AD और FC दो रेखाएं हैं जिन्हें DF काट रही है तिरेक रेखा के रूप में।
तो उससे दो कोण निर्मित हो रहे हैं, एक डी पर निर्मित हो रहा है, दूसरा एफ पर निर्मित हो रहा है, यानी कोण ए डी ई और कोण सी एफ ई, ये दोनों एकांतर कोण हैं और त्रिभुज के सर्वांग समता के आधार पर दोनों बराबर हैं, यानी जो आपकी भुजा सी एफ है वो डी ए के समानांतर होगी और इसलिए सी एफ को आप इस पूरे के समानांतर भी कह सकते हैं और ये दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। तो देखिए इस बात को हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सी एफ और डी ए, सी एफ और डी ए को तिर्यक रेखा डी एफ, तिर्यक रेखा डी एफ काटती है तो कोण ए डी ई, कोण ए डी ई और कोण सी एफ ई, कोण सी एफ ई एकांतर कोण के रूप में हमारे सामने आते हैं, एकांतर कोण, और ये दोनों कोण जो कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है इसलिए बराबर भी हैं। तो आप इन्हें लिख सकते हैं कि कोण ए डी ई बराबर कोण सी एफ ई, ये बराबर हैं क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण हैं और ये बराबर हैं तो एकांतर कोण बराबर होने की दशा में आप कह सकते हैं कि सी एफ और डी ए समानांतर हैं। ये एक बड़ा परिणाम आपको मिला, सी एफ समानांतर डी ए के, ये रेखाखंड इस रेखाखंड के समानांतर है और चूंकि ये डी ए पूरा बी ए का ही पार्ट है तो आप कह सकते हैं कि सी एफ समानांतर बी ए। इसका परिणाम ये भी है कि ये जो सी एफ है वो समानांतर है पूरी रेखा बी ए के। तो आप देखिए दो परिणाम आपके पास हैं कि सी एफ और डी बी बराबर हैं, सी एफ और डी बी बराबर हैं और दूसरी चीज आपको मिल रही है कि सी एफ बी ए के समानांतर यानी बी डी के भी समानांतर है। तो ये दोनों रेखाखंड इस चतुर्भुज के आपस में बराबर भी हैं और समानांतर भी हैं। तो ये जो दो परिणाम आपको मिले, ये सी एफ समानांतर बी ए, तो बी ए की जगह पर आप बी डी भी लिख सकते हैं। तो दूसरा परिणाम आप यहां पर लिख लें, यहां हम आते हैं इसको, दो चीजें मिली, सी एफ बराबर डी बी एक परिणाम आपको ये मिला था और दूसरा परिणाम मिला था सी एफ समानांतर बी ए, सी एफ समानांतर बी ए। तो चूंकि बी डी भी बी ए का पार्ट है तो आप केवल इतना लिख लें कि सी एफ समानांतर बी डी, सी एफ समानांतर बी डी या डी बी, बी डी लिख लें आप। तो आप देखिए दो महत्वपूर्ण परिणाम आपको मिल रहे हैं कि इस चतुर्भुज में बी सी एफ डी में आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर भी हैं और समानांतर भी हैं, इसलिए चतुर्भुज बी सी एफ डी समानांतर चतुर्भुज होगा। तो लिख सकते हैं बी सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है और यही आपको प्रमाणित करना था। तो एक चीज तो आपने प्रमाणित की कि दोनों चतुर्भुज बी सी एफ डी समानांतर चतुर्भुज है इसलिए बी सी समानांतर होगा डी के। इसे हम मिटा के लिखते हैं तो बात बहुत स्पष्ट हो पाएगी। इन परिणामों को हम यहां पर फिर से लिख लें, हमें मिला है कि सी एफ बराबर डी बी, सी एफ बराबर डी बी, सी एफ बराबर डी बी, इसे हम बी डी भी लिख सकते हैं और दूसरा परिणाम मिला था सी एफ समानांतर बी डी, सी एफ समानांतर बी डी। आप इसे चतुर्भुज में देखिए, इस आकृति में देखिए तो पता चलेगा हम कह रहे हैं कि सी एफ बी डी के बराबर भी है और समानांतर भी है, यानी ये जो चतुर्भुज है बी सी एफ डी, इसलिए बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। बच्चों आपने अपनी समस्या को आधे से ज्यादा हल कर लिया है, चूंकि बी सी एफ डी समानांतर चतुर्भुज है इसलिए आप कह सकते हैं कि बी सी डी ई के समानांतर है, बी सी समानांतर है डी एफ के और इसलिए डी ई के भी। तो बी सी समानांतर, आप चाहें तो इसे डी एफ लिख लें
और इसलिए आप लिख सकते हैं कि बी सी ए समानांतर है डी ई के भी। तो ये एक जो बात आपको सिद्ध करनी थी उसमें यही थी, ये जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है इसके समानांतर है, ये आपको यहां पर मिल रहा है। सिद्ध करना है कि बी सी समानांतर डी ये यहां पर है, बी सी समानांतर डी, यहां आपने डी समानांतर बी सी लिखा है, ये चीज आपने यहां पर प्रमाणित की। अब दूसरा हिस्सा बच गया है जो कहता है कि डी ई इस भुजा का आधा भी है, ये कैसे कर पाएंगे आप? अब आप देखिए फिर से इस समानांतर चतुर्भुज पर गौर करिए कि चूंकि ये समानांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समानांतर भी होंगी। तो अभी आपने BC समानांतर DF किया था, अब आप करेंगे BC बराबर DF के। दूसरा रिजल्ट है BC बराबर भी है DF के। अब आप देखिए DF हमने जो बनाया था उसमें आप पहले लिख चुके हैं कि EF और DE दोनों बराबर हैं, क्योंकि आपने इसकी रचना इस तरह की थी कि वो इसके बराबर है, यानी DF और EF दोनों बराबर हैं। तो आप इस पूरे DF की जगह पर लिख सकते हैं 2 × DE, तो ये हो जाएगा BC बराबर 2 DE, या इसे आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि DE बराबर 1/2 BC। तो देखिए ये भी आपने प्रूव कर लिया कि जो DE है वो BC की आधी है, यही आपको प्रमाणित करना था, DE BC की आधी है, ये चीज आपने यहां प्रूव कर ली कि जो DE की लंबाई है वो BC की लंबाई की आधी है, यानी रेखाखंड जो त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है वो तीसरी भुजा का आधा है। तो दो चीजें प्रमाणित की आपने कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर भी है, ये आपने यहां प्रूफ किया, और लंबाई में उसका आधा भी है, ये आपने यहां प्रूफ किया। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जिसे आप मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से जानते हैं वो बस इतना ही है, और इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिए, रुक रुक के कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोशिश कीजिए, आप इसे बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। करके देखें। अब आप ऊपर दिए गए प्रमेय का विलोम लिखिए और उसका सत्यापन कीजिए।